शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये उस इंसान का पता है जिसने उस बच्ची को गोद लिया था, इसने तो उसकी फोटो भी साहब जी और हमारे पापा ये दोनों एक तस्वीर इस घर का खाला भी काम ही। इसका मतलब हमारे असली पिता आप हैं। तुम हमारी छोटी बेटी हो। पंडित जी ने तो कहा था कि वो काला टीका वाली लड़की आएगी तभी उर्वशी की तबीयत ठीक हो जाएगी। आप लोग आज भी इन सब चीजों पे यकीन करते हैं? कभी कभी तकदीर ऐसे मोड़ पर ले जाती है ना, किस्मत का खेल आम इंसान को ऐसे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है आपकी और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। सोच ना मिले तो काम करना मुश्किल हो जाता है। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। हम भी कैसी बातें लेकर बैठ गए। गौरव तुम वंश के पास जाओ, शायद वो नाराज हो गए हैं, उन्हें मनाओ, हम उन्हें खोना नहीं चाहते। जी गौरव बैठो ना। गौरव तुम बैठो। पापा आप श्लोक भैया को भेज दीजिए ना। श्लोक जब अचानक आप किसी की सांस थोड़ी देर के लिए रोक दो या उनका ध्यान भटका देते हैं तो हिचकी अपने आप रुक जाती है। मालिक हमें माफ कर दीजिएगा, हमने अचानक से आपको बिना बताए ऐसे किया। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सुधा घर में हवन करना है, पंडित जी को न्योता दे दो और हाँ उपले बना देना। उपले तुम बना दोगी बेटा? पापा जी आप कहाँ जा रहे हैं? आपको कुछ चाहिए तो हमें बता दीजिए। बेटा वंश जी, पिछली बार जो आपने फंड्स दिए थे ना, उसे पार्टी ने सिर्फ समाज के कामों में इस्तेमाल किया है। आप सिर्फ एक अच्छे बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि नेक इंसान भी है। हीरो को परखने की नजर है आप में, तभी तो आपने हमारी पार्टी में इन्वेस्ट किया है। वंश जी आपने बुलाया हमें? मुझे गौरव से कुछ अकेले में बात करनी है। वंश जी आपने श्लोक भैया को क्यों भेजा? क्योंकि मुझे चापलूसी करने वालों से एलर्जी है। अब इस गोबर में हमने एलर्जी वाला पाउडर मिला दिया है। गहना आएगी और जैसे ही इसमें हाथ डालेगी उसके हाथों में खुजली होने लगेगी, फिर पापा जी की प्रतिक्रिया देखने वाली होगी, क्योंकि पापा जी ने ही तो गहना को ये काम करने के लिए कहा है। हमें तो बहुत बेसब्री हो रही है ये जानने की कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब कैसी चीजें पसंद है आपको? कुछ देसी सा, यू नो, जो अपनी मिट्टी से अपनी जड़ों से जुड़ा हो। कोई ऐसा डिजाइनर जिसकी डिजाइन में मिट्टी की खुशबू हो, जो हमारी धरती से जुड़ा हो, जो मॉडर्न तो हो लेकिन सिंप्लिसिटी और सादगी से भरा हो।
आप हमें एक मिनट दीजिए। इसका इंतजार है आपको। लवली, कौन है ये? ये है आपकी जमीन से जुड़ी हुई प्रतिभा जिसे आप तलाश रहे हैं। वंशी, इसे एक मौका देकर देखिए। हम गारंटी लेते हैं, इसे मौका देकर आप पछताएंगे नहीं। क्या नाम है इस डिजाइनर का? गहना। ये अचानक हमारे हाथ में खुजली क्यों हो गई थी? से बात करनी है, प्लीज। प्लीज कहना, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, किसी से कुछ मत कहना। हमारे इस रिश्ते का सच किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। आप इस बात के लिए चिंतित हैं कि हम आपका राज किसी को ना कहते, इसलिए आप हमें यहाँ लेकर आ गए। वाह, क्या बात है। खैर, आप जैसे आदमी से हम और उम्मीद भी क्या ही कर सकते, जिसने हमें अपना नाम ही ना दिया, हमारी अम्मा से शादी नहीं की, और तो और हमें अपने ही दोस्त के पास छोड़कर आप भूल भी गए। बेटा, सनी। बेटा नहीं, 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 बेटा बोलने का हक आप उसी दिन खो चुके थे जिस दिन आपने हमें अपने ही दोस्त की गोद में डाल दिया था। प्लीज, प्लीज हमें माफ कर दो। क्या किस किस बात के लिए हम आपको माफ करें? कि आपने हमारी अम्मा से प्यार नहीं किया, कि उनसे शादी नहीं की, कि हमें कभी अपना ही नहीं सके? क्यों क्यों किया ऐसा आपने हमारे साथ? कि आपकी वजह से हमारा हमारा पूरा का पूरा वजूद झूठा साबित हो गया। एक बाप के घर में हम एक नौकर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और आज जब आप वापस भी आए हैं तो क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि अपनी जायज बेटी की तबीयत ठीक करने के लिए आपको अपनी नाजायज बेटी की, इस घर के काले टीके की जरूरत है। कि आपको अपनी बेटी से बात करने के लिए एक बंद कमरे की जरूरत है। नहीं गहना, ये पूरा सच नहीं है। हमने तुम्हारी माँ से शादी नहीं की, लेकिन प्यार हमने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ से किया था। हमारी मजबूरी थी बेटा, इसलिए हम तुम्हारी माँ को नहीं अपना पाए, क्योंकि हम पहले से शादीशुदा थे। तुम तो जानती हो कि राजनीति में एक नेता को अपना करियर बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है, अपना करियर बचाने के लिए हमने अपनी बेटी की शादी एक ड्राइवर से कर दी। सालों पहले हमारे पिताजी की भी ऐसी मजबूरी थी, अपने डूबते हुए करियर को बचाने के लिए उन्होंने हमारी शादी सुधा से कर दी।
इसलिए हम तुम्हारी माँ को नहीं अपना पाए, अपने प्यार के पास नहीं जा सके। हम मानते हैं कि हम तुम्हें अपना नाम नहीं दे सके, लेकिन हमने तुम्हें एक ऐसे आदमी को सौंपा जिसकी कोई औलाद नहीं थी। हमें विश्वास था कि वो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करेगा। हमने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना। हम अपने उस मित्र से हमेशा तुम्हारी खबर लेते रहे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद तुम कहाँ चली गई हमें कुछ पता ही नहीं चला। हम क्या करते बेटा, हम तुम्हें दिल से अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन समाज के सामने, सबके सामने हम तुम्हें ये दर्जा नहीं दे सकते। तुम शायद हमें ना समझो, लेकिन हम हमेशा तुम्हें अपने आसपास ही देखना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि तुम इस घर का काला टीका हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम हमारी बेटी हो। अच्छा, तो बड़ी मेम साहब और उर्वशी मेम साहब का क्या है? उन्होंने आप पर इतना भरोसा कि आपने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि उनको भी उतना ही धोखा दिया है। कहना हम अपनी गलती मानते हैं, लेकिन ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया। जब हम सबको सच बताना चाहते थे तब पिताजी ने हमें रोक दिया, और आज हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम सबके सामने ये सच बता सके। कहना, हम तुम्हारे आगे हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं। अब हमारा करियर, हमारे परिवार की खुशियां, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। जिस दिन हमें पता चलेगा कि तुम्हारे साहब ने हमें धोखा दिया है, उस दिन हमारे प्राण निकल जाएंगे। ठीक है, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रह सकते। नहीं है ना, ऐसा मत करो, हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। नहीं, बस हम यहाँ रहकर रोज रोज आपका चेहरा नहीं देख सकते। रोज आपके दिए हुए धोखे को याद कर अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए धुतकार नहीं सकते। हम ये भूल भी नहीं सकते। आपकी वजह से हमारी अम्मा पर क्या क्या गुजरी होगी। बस हम कोई ना कोई बहाना करके यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। मम्मी जी ने हमें नहीं रोका होता ना, तो आज तो हमें पता चल ही जाता कि इन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। कुछ तो बात है जो पापा जी आजकल सबके सामने इस गहना की इतनी तरफदारी करते हैं, और गहना थोड़ी ही देर बाद पापा जी के कमरे से रोते हुए बाहर जाती है। कुछ तो बड़ा पंगा है, तो हमें बहुत बेचैनी हो रही है। कब हमें पता चलेगा? दूसरा गोबर ले लेते हैं। पता नहीं ये गोबर की वजह से हमारे हाथों में खुजली होने लगी। कहना, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, किसी से कुछ मत कहना। हमारे इस रिश्ते का सच किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हम तुम्हारे आगे हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं। अब हमारा करियर, हमारे परिवार की खुशियां, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। ठीक, क्या कर रही हैं आप गोबर के संग? माफ कर दीजिए, उपले बना रहे, आपको दिखाई नहीं दे। और इसमें छींची करने वाली क्या बात हो गई? आपको तो पता होना चाहिए कि इसके कितने फायदे होते हैं।
लेकिन नहीं, आप लोगों को कैसे पता होगा? आप शहरी लोगों की ना यही दिक्कत होती है, सब बस अपनी जड़ें भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि वो कहाँ से आए हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन वक्त के साथ बदलने की सबको इतनी ज्यादा होड़ लगी कि सब अपना अतीत भुलाने में लगे। किसी को याद ही नहीं कि उनके बीते कल की हरकतें उनका आज और आने वाले कल की नींव है। चेहरे पर ऐसे ऐसे मुखौटे पहनने हैं कि बस अपना वजूद ही भूलते जा रहे हैं। मुझे लगता है आप ये गोबर की नहीं जिंदगी की बात कर रही हैं। और जहां तक सवाल है लोगों का, मुझे लगता है लोगों को समय के हिसाब से बदलना चाहिए। वो कहते हैं ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। बदलना पड़ता है कहना, क्योंकि ये दुनिया जज्बात से नहीं पैसों से चलती है, और वक्त के साथ ना बदलने वाले को यहाँ बेवकूफ समझा जाता है। सालों पहले हमारे पिताजी की भी ऐसी मजबूरी थी, अपने डूबते हुए करियर को बचाने के लिए उन्होंने हमारी शादी सुधा से कर दी, इसलिए हम तुम्हारी माँ को नहीं अपना पाए। अगर बदलना ही तो अपने अंदर की बुराई को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपनी फितरत को नहीं। परिवर्तन के नाम पर मौका परस और मतलबी बनने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही अपने संस्कारों को या संस्कृति को बदलने की जरूरत। क्या लगता है आपको, क्या है हमारी संस्कृति? आप जैसे शहरी बाबू को हम संस्कृति का पाठ कब तक पढ़ाते रहे? आपको क्या लगता है हम यहाँ ज्ञान का भंडार खोल कर बैठे हैं कि हम आपको बताएं, हम आपको पाठ पढ़ाएं कि ये सही है ये गलत है, हमें ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं? देखिए, अगर आपको पता होता ना कि संस्कृति का मतलब क्या है, उसकी अहमियत क्या है, तो आपको हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद उसकी कदर करते। यहाँ तो बस हर कोई मॉडर्न बनने के नाम पर अपनी जमीन से दूर होते जा रहे हैं, अपने रिश्तों को भुलाते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, अब ये सब बातें तो होती रहेंगी, मुझे आपसे कुछ काम की बात करनी है। क्या बात करनी है? आप जैसे अमीर आदमी जो वक्त के साथ लोगों को बदलना चाहिए इस सोच से सहमत है। क्या बात करनी है आपको एक नौकरानी से? हाँ, और वो भी एक ऐसी नौकरानी जिसका यहाँ अपना कोई है ही नहीं। देखिए, आपके मतलब की बात है। हाँ, हमारे मतलब की बात। अब आप हमसे हमारे मतलब की बात कर ही दीजिए, एक उपकार हम पर आप कर दीजिए, आप भी हमें अपने एहसानों के तले दबा ही दीजिए, ताकि कल को उठकर जब भी आपका मन करे, जब भी आप चाहे, आप हमें एक कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाते रहे, जैसे बाकी सब लोग कर रहे हैं हमारे साथ। हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें कुछ भी सुनाती जाएं। आपको हमारे संग काम नहीं करना, हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे आपके साथ, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हर वो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। आज भले ही हम मॉडर्न तरीके से रहते हैं, मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मिट्टी से नहीं जुड़े। देखिए, आज आपका मूड ठीक नहीं है, इसलिए हम लेक्चर नहीं देंगे, बट आप कोशिश करें कि आपके मूड के संग आपकी सोच भी बदल जाए। चलते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है इसका, प्रोफेशनल नहीं है कोई। कहना को हुआ क्या है? हमें बात करनी पड़ेगी इससे। कहना, हमें तुमसे बात करनी है। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे लेकिन हमें तुमसे बात करनी। हमने कहा ना कोई बात नहीं करनी, समझ में नहीं आता क्या? समझ में नहीं आता, कहा ना नहीं बात कर। क्या ना, हमें बात करनी है तुमसे। क्या हुआ है तुम्हें? कल से इतना अजीब बर्ताव कर रही हो। अरे हमें बताओ ना, क्या हुआ है तुम्हें? हम पूछ रहे हैं कुछ। हमारी छोटी बेटी हो। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, किसी से कुछ मत कहना। हमारे इस रिश्ते का सच किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। कहना, कुछ पूछ रहे हैं तुमसे? हमने वंश जी को तुम्हारे पास में भेजा था, वो तुम्हारी जिंदगी पलट कर रख सकते हैं, तुम्हारा करियर बदल सकते हैं,
तुम्हारा काम उन्हें इतना पसंद आया था और तुमने है ना, तुमने क्यों किया उनके साथ ऐसा? बहुत हो गया, नहीं बनानी है हमें हमारी जिंदगी, नहीं चाहिए कोई करियर, नहीं चाहिए आपका कोई एहसान, हम पर तरस खाना बंद कर दीजिए, बस हो गया, या हमारे खुद के पास जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, मैं कहना ऐसे बर्ताव नहीं करती, कारण पता करना पड़ेगा। यजमान जी, पूजा सफल हुई। गणना के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि काली टीका वाली लड़की की प्रार्थना भी सफल हुई। लेकिन पंडित जी, जब ऐसी कोई लड़की है ही नहीं तो वो प्रार्थना कहाँ से करेगी? मेरे हिसाब से काला टीका वाली वो लड़की या तो इस घर में आ चुकी है या तो आने वाली है। अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।